नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कैसा हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को UPI के माध्यम से अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर पाएं और आप उसका इस्तेमाल कर पाए 45 दिन तक बिना किसी ब्याज के, और साथ ही आप उसको जो भी मर्चेंट आउटलेट होते हैं जहाँ पे आप पेटीएम से, फोन पे से या फिर और UPI माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आप स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर पाए और जब चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने अकाउंट में UPI के माध्यम से ट्रांसफर भी कर पाए। और अगर आप चाहें तो मनी ऑन डिमांड पे आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने अकाउंट में एक साथ पा सकते हैं और सिंपल सी इंटरेस्ट पे आप उसको EMI में कन्वर्ट करके आप उसको बाद में भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहें उससे अपने किसी भी दोस्त को, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और उस कार्ड का नाम है V कार्ड। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है और आप मेरा जो रेफरल कोड है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहाँ पर प्री अप्रूव होने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ले जाकर कि कैसे कैसे आपको करना है। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, ये कार्ड एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी है और अगर आप चाहें तो आप इसको प्लास्टिक कार्ड में भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस कार्ड को आप इसके एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो वहां पे आपको आपकी जो लिमिट है उसको UPI के माध्यम से या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन होता है, जिसको कि आप 45 डेज तक यूज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो अब फोन की स्क्रीन पर ले जाकर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर पर V कार्ड करके सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी ऐप मिल जाएगा। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ऑफर दिखेंगे कि आप इस कार्ड को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, बिना पेपर के आप इसमें अप्रूव हो सकते हैं और उसके बाद में आप UPI के माध्यम से अपने आप पे कर सकते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के और इन्वाइट कोड डालना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको सबमिट करना है। सबमिट जब आप कर देंगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक OTP आएगा, जो आप OTP आगे चल के डाल दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो आपको एक 4 डिजिट का जो है पिन सेट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे अभी पिन सेट करूँगा अगली स्क्रीन पे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। तो कोई भी 4 डिजिट का पिन आप यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद आपको उस पिन को कन्फर्म भी करना होगा, तो इसके द्वारा आप अगली बार लॉग इन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आपकी ईमेल आईडी और पैन नंबर। पैन कार्ड नंबर डाल के आप फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आपका एड्रेस भी यहाँ पे डालना होगा। तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, एरिया, पिन कोड, सिटी डालने के बाद में आप फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे अपने एड्रेस को गूगल मैप के ऊपर लोकेट करना रहेगा ताकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने आएंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी आपके घर पे पहुंचने के लिए। तो आप अपने मैप के हिसाब से इसको एडजस्ट करके अपने घर की लोकेशन को या एड्रेस को आप मैप पे मार्क कर दीजिए। उसके बाद जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अपना सैलरीड वाला कर लीजिए। अगर सैलरी जॉब करते हैं तो और कितना कमाते हैं उसमें जहाँ पर लिमिट्स हैं उस पर भी क्लिक कर दीजिए, और आपको कोई पहले से कोई लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड है तो उस पर भी टिक करके आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपके एड्रेस और डिटेल प्रोफाइल दिखाई जाएंगी, उसको आप अगर सही लग रहा है तो सही है, अगर ऐड करना है तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है यहाँ पर कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आधे मिनट के करीब। उसके बाद आप देख पाएंगे UR अप्रूव्ड, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मैं अप्रूव हो चुका हूँ। डॉक्यूमेंट पिकअप करने के लिए मुझे क्लिक करना है और अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक करनी होगी। डेट और टाइम आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी तरफ से कोई आएगा आपके डॉक्यूमेंट पिक करने के लिए, हो सकता है 1-2 दिन की देरी भी हो सकती है पिकअप करने में, लेकिन पिकअप करके जब ले जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप रोलिंग हैं, आपके डॉक्यूमेंट पिकअप होने के बाद आपको जो है 1,20,000 की लिमिट मेरे को यहाँ पर मिल रही है, जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, UPI से पे कर सकता हूँ कहीं पर भी और 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लाभ उठा सकता हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी दिखाया था 500 रुपये जो फ़ी होती है कार्ड की वो भी पहले साल में जो है माफ़ कर दी जाती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे UPI से पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी कार्ड मेरा जो है हुआ नहीं है, अप्रूव हो गया है लेकिन अभी बना नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पिकअप होने के बाद में ये सब एलिजिबल हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ से UPI से पेमेंट भी कर पाऊँगा। और आप चाहें तो इस कार्ड को प्लास्टिक का कार्ड भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जो कि आपके लिए
और फ़ायदेमंद रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ऐप है और आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत करनी है, 10-5 मिनट का काम है, बस आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं यहाँ पे और आपका जो है कार्ड अप्रूव हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाएंगे तो आपको आपके कार्ड के अंदर जो है लिमिट वगैरह शो होने लग जाएगी, आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और अगर आप चाहें तो इसका फिजिकल कार्ड भी मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।